सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस आराधना में शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का पहला रविवार है और आज के संडे को हम लोग त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी संडे के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें आज के दिन के लिए हमारा विषय है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 649 वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना
फिर से जय मसीह की। प्रभु भोज की तैयारी में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, जब आपके अनुग्रह के कारण आपके पवित्र भवन में हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करने हेतु एक और अवसर पाते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, पिछले समय की तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। युगों युगों से आपने अपनी शक्ति और प्रेम से हमें परिचित कराया है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में आप हमारे साथ होते हैं, हमारी सहायता और मार्गदर्शन करते हैं। जब हम आपकी उपस्थिति को नहीं जान पाते, तब भी पिता परमेश्वर, हर समय आप हमारे मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें ऐसी आँखें दीजिए जो आपकी करुणा, दया और प्रेम को देख सके, ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आपके प्रेम के लिए धन्यवादित हो और हर समय हम आपके प्रेम और मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहें। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, दया करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, मार्गदर्शन दे, कि हम आपकी आराधना सच्चे हृदय से कर सकें और हमारे जीवन के द्वारा हमारे संपर्क में आने वाले हर एक जन आशीषित हो। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके शाश्वत पुत्र प्रभु यीशु के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा आपने अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रहस्य का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास में हमें दृढ़ रखिए और यह वर दीजिए कि हम अंत में आपकी अनंत महिमा का दर्शन कर सकें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं, आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठे। आज का पहला पाठ यशाया अध्याय 6:1-8। जिस वर्ष उज्जियाही राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6-6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से वे उड़ रहे थे और वे एक दूसरे के पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं को यहोवा पवित्र 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 है,
सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नेवे ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। पवित्र वचन के सुने जाने पर सर आशीष। अभी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 46, 1 से 6, 10 से 11। भजन संहिता 46, 1 से 6, 10 से 11। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज की आराधना में दूसरा पाठ इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, उसके 14वें से 21वें पद तक। इफिसियों 3:14-21 यूं प्रारंभ होता है, मसीह का प्रेम। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आमीन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 668।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। दिन के लिए लिया गया सुसमाचार पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 5 पद से लेकर 15 पद तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो। वचन में ऐसा लिखा है, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा,
परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा और वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये क्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु येसु क्रीस्त, आपकी मई स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमेन। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी उन्हें दे, हमारे दिमागों को खोलें, हमारे मनों को खोलें, ताकि तेरे वचन पर जब हम मनन चिंतन करते हैं आप हमारे साथ रहें और हमें तेरे वचनों को समझने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंडली कृपया बैठें। जैसा कि आज के दिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग पेंतिकोस का संडे, हम लोगों ने लास्ट संडे पेंतिकोस का पर्व को मनाया था, क्योंकि पेंतिकोस के दिन परमेश्वर ने अपने विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया था और उनको उनके जीवन में बुद्धि और ज्ञान प्रदान किया था, जिसके द्वारा वो सामर्थ से भर गए थे। और सामर्थ से भरने के बाद वो क्या करने लगे, विभिन्न भाषाएं बोलने लगे और साथ के साथ प्रचार करने लगे। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे विभिन्न लोग थे, पेंतिकोस के दिन उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उस संदेश को उन्होंने सुना। और आज के दिन हम लोग जो है पवित्र त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज का हमारा विषय भी है त्रिएक, पवित्र त्रिएक परमेश्वर, कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को जब भेजा वो इसलिए भेजा ताकि मनुष्य को सही प्रकार से उसके जीवन में मार्गदर्शन मिलने पाए, और त्रिएक परमेश्वर को मनुष्य गहराई से उसको समझने पाए, उस पर विश्वास करने पाए। और क्योंकि त्रिएक परमेश्वर प्राकृतिक रूप से और उनका तत्व और उनका चरित्र वो क्या है, एक ही है, वो क्या है, एक ही है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, सृजा है अपने ही रूप के अंदर। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, और उसको जानने की हमें क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है कि ताकि हम उसको सही रूप से, सही तरीके से अपने जीवन में क्या कर सकें, उसको समझ सकें। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की वचन की जो गहराई है उसको समझने की भी हमें क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के रूप में क्या करता है, प्रकट करता है, जो हम मसीहों के विश्वास का क्या है, आधार है, जिसके द्वारा मानव जीवन की मुक्ति क्या है, संभव है। जब हम लोग त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो यदि हम लोग देखें तो परमेश्वर ने पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा
अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रास्ते प्रकाशन हमारे सामने, उसका राष्ट्र का प्रकाशन हमारे सामने किया, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर में क्या हो सके, और अधिक मजबूत हो सके। इसलिए जो है कि आज का दिन हम लोग ट्रिनिटी संडे के रूप में क्या करते हैं, इसको मनाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिएकता जो है, पवित्र त्रिएक परमेश्वर जो आज का हमारा विषय है, जो त्रिएकता में वो एक परमेश्वर है, जिसको समझने के लिए हम लोग जो है कि दो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा है। बर्फ को हम लोग देखते हैं, बर्फ, पानी और वाष्प, इसके घटक क्या है, एक है, लेकिन हम लोग इसके जो है कि तीन रूप में इसको देख सकते हैं, जिसका एक हम लोगों के सामने एक फार्मूला भी है। पानी का क्या है, H2O फार्मूला है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का स्वरूप क्या है, वो एक ही है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यदि दूसरा उदाहरण देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब एक समान त्रिभुज को हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जो कि एक ही समान क्या करती है, कोण बनाती है। लेकिन जब हम लोग उसको ध्यान देते हैं तो जो सबसे ऊपर का जो बिंदु है वो जो है कि परमेश्वर पिता है, जिसने पुत्र को क्या किया, भेजा, और जब वो पुत्र पृथ्वी पर आया तो उसने क्या किया, मनुष्य को उसने स्पर्श किया, और जब उसने स्पर्श किया तो यहाँ पर रह के उसने जो है मनुष्य के बीच में अपनी सेवा का उसने काम किया, शंगाई करी और परमेश्वर के सुसमाचार को उसने लोगों के बीच में फैलाया। उसके बाद क्या हुआ कि पुनरुत्थान उसका हुआ, उसकी मृत्यु हुई, पुनरुत्थान हुआ और स्वर्गरोहण हुआ। उसका ये वायदा था कि मैं क्या भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो हमेशा क्या रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और उसके स्वर्गरोहण के 10 दिन के बाद हम लोग जो है कि पवित्र आत्मा, पैंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके चेलों के ऊपर क्या किया, उतरा, और पवित्र आत्मा के उतरने से क्या है, वो सामर्थ्य भर गए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो अपनी सामर्थ्य से मानव जाति को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। और जो कि परमेश्वर के रूप को हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव जाति के में भेजा, जिसने फिर स्वर्ग में जाने के बाद पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा, और यही जो है हमारे उद्धार का क्या है, एक सिद्धांत है, जिसमें स्थितियां तो तीन हैं परंतु इसका तत्व क्या है, एक है। यदि हम लोग देखें तो परमेश्वर ने, जब हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ पर हमें जब उसमें मिलता है कोई, जब परमेश्वर ने जब सृष्टि का जब आरंभ किया तो क्या था, आत्मा किस पर मंडराता था, पानी पर मंडराता था, और उसने वचन के माध्यम से क्या किया, सारे ब्रह्मांड की उसने रचना करी, जिससे पता चलता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से ही क्या है, वो क्रियाशील था, आरंभ से ही क्या करता था, वो काम करता था। इसलिए जब हम लोग यमुनार्थी सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले पद के 4 में देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि आदि में क्या था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था, परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ इसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसमें जीवन था और वो जीवन क्या था, मनुष्यों की ज्योति था। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि खुदावन्द यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय भी जो है हम लोग त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जब खुदावन्द यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो क्या हुआ था, एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में क्या किया, कहा गया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, तुम क्या करो, इसकी सुनो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा जो
जो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कबूतर की नाई खुदावन यीशु मसीह पर उतरा और आकर ठहर गया, जिससे जो है कि यहूना ने ये जाना कि ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके पापों से उनकी क्षमा के लिए, उसने उनकी छुड़ौती के लिए उसने दुनिया में उसे भेजा। इसलिए जब हम लोग अपने निकिया का विश्वास और वचन भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है कि इसके विषय में हम लोग देखने पाते हैं, क्योंकि जब हम निकिया का विश्वास वचन हम लोग हर संडे उच्चारण करते हैं तो इसमें जो है कि इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं कि हम एक परमेश्वर पिता पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, हम एक प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जो परमेश्वर से परमेश्वर है, ज्योति से ज्योति है, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर है, वह कृत नहीं वरन उत्पन्न है, और प्रभु पिता का और प्रभु यीशु का और पिता परमेश्वर का तत्व क्या है, एक ही है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं क्या करी गई, रची गई, और हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं कि जो पिता और पुत्र से क्या करता है, निकलता है, और पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। अतः हम यहाँ पर जो है कि हम उस एकत्व को देखते हैं जिसमें परमेश्वर जो पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, जिसमें तथ्य क्या है, तीन है, लेकिन उसमें जो देवीय तत्व, उनका देवीय तत्व क्या है, वो एक ही है। इसलिए जब हम लोग आज के वचन पर हम लोग जब ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह सांसारिक जीवन में जब उसने शिक्षाएं दी तो उसने क्या किया, इस शिक्षाओं के द्वारा त्रिएकत्व को उसने क्या किया, लोगों के सामने प्रकट किया। यदि हम लोग लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 24-41 पद में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर जाके खुदावन यीशु मसीह के जन्म की कहानी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी कि क्या कि एक स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया और मरियम को कहा गया कि तू किसके द्वारा गर्भवती पाई जाएगी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई जाएगी, तो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। फिर हम त्रिएकत्व की जो है कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बपतिस्मे के समय हमें वहाँ पर त्रिएकत्व की त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग आज के जो आज का जो वचन पढ़ा गया यूहन्ना उसका 16:5-15 में भी यहाँ पर भी जो है कि खुदावन यीशु मसीह क्या करते हैं, उस सहायक को भेजने की बात करते हैं कि वो सहायक भेजा जाएगा। वो कहते हैं कि एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजने की बात करते हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह एक समय में केवल जो है कि वहाँ पर जहाँ पर जाते थे अपने समय में वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह मौजूद होते थे, लेकिन जब हम लोग पवित्र आत्मा की बात करते हैं कि पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद होता है, जो हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन कार्य करता है और प्रतिदिन हमें क्या करता है, मजबूत करता रहता है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने जो है कि अपने जाने से पहले अपने शिष्यों को बताया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, भला है, अच्छा है। जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा जो सदा तुम्हारे साथ क्या करेगा, रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन सहायक के रूप में खुदा का पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ पाया जाता है। इसलिए वो कहता है कि वो सहायक जो मैं भेजूंगा वो क्या करेगा, हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित पाया जाएगा। क्योंकि हम लोग जब ये बातें देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह सहायक भेजेगा, जिसके विषय में उन्होंने पहले भी अपने शिष्य को बताया गया था, लेकिन उस समय में जो उसके शिष्य थे खुदावन यीशु मसीह की बात को उस गहराई से नहीं समझ सके, लेकिन उनके जाने के बाद पेंतिकोस के दिन जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तब उन्होंने जो है कि खुदावन यीशु मसीह की उस बात को जाना जिसके विषय में उन्होंने कहा था, और उस पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा विभिन्न भाषाएं बोलने लगे, और उस दिन जो है कि कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3,000 के लगभग लोगों ने बपतिस्मा लिया। अर्थात जिस सहायक को प्रभु यीशु मसीह ने जिस सहायक को भेजने के लिए वायदा किया था, पेंतिकोस के दिन उसको भेज दिया गया। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा
तो संसारिक लोगों के पापों को और अपराधों को उनके सामने क्या करेगा, प्रकट करेगा। क्योंकि परमेश्वर पर जो विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, जो परमेश्वर से जिनके जीवन दूर है और पाप में उनके जीवन लिप्त है, तो वो क्या करेगा, उनके सामने उनके वो पाप को प्रकट करेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं अधिकतर हम लोग जो है कि खुदा को याद करने के बजाय इस दुनियावी बातों में हम लोग अपने आप को ज़्यादा लिप्त पाते हैं, इस दुनिया की ओर जो है कि हमारा जो है कि ध्यान जो है ज़्यादा रहता है, और इस कारण से हम लोगों का स्वभाव भी कैसा हो जाता है, बुरा हो जाता है। हम लोग जो है अपने दूसरे भाई को हम लोग क्या है एक नज़र से हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन जब खुदावन्द यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने जो है कि एक संदेश दिया कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 3:16 भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो को इस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु कैसा जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और खुदावन की जो है कि धार्मिकता हमारे अंदर तभी आएगी जब हम लोग जो कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और खुदावन पर क्या करेंगे, पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम लोग जब खुदा से हम लोग कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, हम लोग विभिन्न प्रकार की दुनियावी चीज़ें तो मांगते हैं कि खुदा मेरे जीवन में ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन हम लोग कि खुदावन से जो है कि अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं मांगते हैं, जो कि हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही अधिक ज़रूरी है। जिसमें हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा से जो है कि बुराइयाँ हमारे जीवन से क्या है दिन प्रतिदिन घटती रहती है। हम लोग जो है कि खुदा की ओर अपने आप को क्या है, खुदा की ओर नज़दीक पाए जाते हैं। यदि हमारा ध्यान खुदा के वचन में है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो खुदा का पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके जीवन में काम करता है और आपके जीवन को क्या करता है, वो प्रतिदिन बदलता है और आपके जीवन के अंदर एक नयापन लाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों के 2:17 में कि जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। इसलिए जो है कि पवित्र आत्मा न्याय का दिन जब आएगा तो हमारा क्या किया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। यदि हम लोग मत्ती रची सुसमाचार के 25 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर न्याय के विषय में क्या किया गया है, बताया गया है। वहाँ न्याय के विषय में क्या बताया गया है कि जब मैं भूखा था क्या तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था क्या तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं तकलीफ में था क्या तू मुझे देखने आया। तो यहाँ लिखा है कि धर्मी लोग बोलेंगे, हे प्रभु मैंने कब तुझे भूखा देखा और मैंने तुझे खिलाया, प्यासा देखा और मैंने तुझे पानी पिलाया, और कब मैंने जो है कि तुझे नंगा देखा तुझे कपड़े पहनाए, कब तुझे मैंने परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया। लेकिन खुदावन्द यीशु मसीह हमें वचन के माध्यम से सिखाते हैं कि जिसने भी इन छोटे में से छोटे किसी एक के साथ भी किया, उसने किसके साथ किया, मेरे साथ किया। तो जो है कि हम लोग अपने जीवन के अंदर ये चीज़ सीख सकते हैं और पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, सिखाता है कि हमें अपने जीवन को क्या करना है, बदलना है। क्योंकि हम लोग जब चेलों के जीवन को देखते हैं तो जब खुदावन्द यीशु मसीह जब इस दुनिया से चले गए तो उनका जीवन कैसा था, उनका जीवन डरा हुआ था, वो डरे हुए थे, वो जो है निराशा में थे। लेकिन जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा आया तो उनका जीवन क्या हो गया, बिल्कुल ही बदल गया, बिल्कुल ही चेंज उनके जीवन के अंदर आ गया। क्योंकि हम लोग कई बार वचन को हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने जीवन से उसको दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि वचन को इससे सुन के इससे निकालना नहीं है, वचन को अपने जीवन से सुनना है, उसको आत्मसात करना है और उसके अनुसार ही जो है कि अपने जीवन को क्या करना है, हमें व्यतीत करना है। जिसमें हम लोग अधिकतर क्या पाए जाते हैं, बहुत ही अधिक कमज़ोर पाए जाते हैं। लेकिन खुदावन्द का पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमारी इन कामों में मदद करता है, इन कामों में मदद करता है, वो जो है हमें तैयार करता है, वो हमें सामर्थ्य देता है,
जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को खुदावन यीशु मसीह के अनुसार क्या कर सकें, व्यतीत कर सकें। क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हम लोग अपने अनुसार क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। जैसा हम चाहते हैं हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, गाइड करता है, गाइड करता है। और जो है कि और हमारा हमें जो है कि हमारे रास्ते में हमें क्या करता है, हमें उस रास्ते की ओर लेके जाता है जो सच्चाई का रास्ता है, जिसमें हम सबको क्या मिलता है, अनंत जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जो कार्य जो है कि खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर किए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए खुदावन ने एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा है, ताकि वो हमारा क्या कर सके, हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर सके। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे कि खुदा मुझे तो अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि मुझे तेरी क्या मिल सके, तेरी गाइडेंस मिल सके, और मेरे जीवन के अंदर क्या हो सके, सुधार हो सके। जो मेरा जीवन क्या हो गया है, पाप में गिर गया है, उससे मुझे क्या मिल सके, उद्धार मिल सके, और बुराई का रास्ता छोड़कर जो है सच्चाई के रास्ते पर मैं अपने जीवन को क्या करूं, व्यतीत करूं। खुदा जो है कि अपने वचन के माध्यम से हमें क्या करता है, प्रतिदिन ये चीज़ हमें सिखाता है, हमें बताता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जो है कि हमारे जीवन के अंदर ज़रूरी है कि हम लोग अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को मांगें। इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए हमें जो है कि जो पवित्र आत्मा एक सहायक रूप में उसने हमारे लिए भेजा है, उसके हम लोग सबसे पहले क्या करें, उसको धन्यवाद दें कि पिता तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा है, जो सहायक के रूप में हमेशा हमारे साथ मौजूद रहता है। दुख के समय में, तकलीफ के समय में, मुसीबत के समय में वो क्या करता है, हमें संभालता है और हमारी निराशाओं को क्या करता है, दूर करता है, और हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास को क्या करता है, मजबूत करता है, और हमें ये महसूस कराता है कि खुदा आपके साथ हमेशा है। इंसान ज़िंदगी में आपके साथ हो या ना हो, लेकिन खुदा का पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपके साथ हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है कि खुदा के पवित्र आत्मा को क्या करें, उस पर विश्वास करें, अपने जीवन में उसको ग्रहण करें, ताकि हम लोग अपने जीवन को, उस सत्य के जीवन को हम लोग सत्यता के अनुसार जीने पाए, जिससे हम सबको बहुतायत का जीवन मिलने पाए, और पवित्र त्रिएक परमेश्वर में हम लोग पूर्ण विश्वास कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर की त्रिएकता हमारे साथ हमेशा है, हमेशा बनी रहती है। क्योंकि जब हम लोग ऑल्टर पे भी हम लोग जब जाते हैं, तो हम लोग जब ब्रेड और वाइन को लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुदावन यीशु मसीह को क्या करते हैं, छूते हैं। जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन जो है उस परमेश्वर, उस खुदावन यीशु मसीह के समान क्यों नहीं बदलने चाहिए। ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कार्यों में क्या करें, बदलाव लेके आए, और अपने जीवन को जो है खुदावन यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार व्यतीत करें। खुदावन आप सबको बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों, हम लोग अपने निकाय का विश्वास वचन को हम लोग क्या दोहराएंगे, पेज नंबर 122 पे हमें मिलता है। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर,
ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रेरित नहीं बन उत्पन्न है। उनकार पिता का तत्व एक ही है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी, हम मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतर आए। वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए, और पवित्रशास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवनदाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सरलोक प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठे। सूचनाएं, अभी आने वाले शनिवार को जो 1 जून 2024, इसमें जो है कि 24 आवर्स चेन प्रेयर के, इसमें चेन प्रेयर है, इसके अंदर जो है कि इसमें 1 आवर के स्लॉट इसमें रखे गए हैं। यदि जो भी कोई प्रार्थना करना चाहता है तो कृपया करके मिस्टर गुरदीप गिल से जो है कि ये स्लॉट ले लें उनसे, कि जिस पॉइंट्स के ऊपर आपने प्रार्थना करनी है। जिनका भी CPMF अमाउंट जो ड्यूज है रह गया है साल 2023 और 24 के, उसमें वो अपना CPM जो आउटस्टैंडिंग रह गया है उस ड्यूज को जो है कि फुलफिल कर दीजिए, उसका पूरा कर दीजिए। और हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग रही है 75,239 रुपये। और अब अपनी दुआओं में, हमारे हिंदी कलीसिया के 75वें साल, अभी हमारा जो है कि 78 मेरे ख्याल से हो गया है, लेकिन हम लोग अपना गोल्डन जुबली हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आप अपनी दुआओं में उसको याद रखें, और जो कंट्रीब्यूशन जो है उसको भी आप देते रहें, क्योंकि बिना प्रार्थनाओं के, बिना सबके सपोर्ट के इस प्रोग्राम को हम लोग जो है कि सफल नहीं बना सकते हैं। तो कृपया करके जो है इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए इस प्रोग्राम को अपने प्रार्थनाओं में रखें और अपना भरपूर सपोर्ट उसको दीजिए। मैं विपुल को, मैं भाई विपुल को सामने बुलाना चाहूँगा, कि जो हम लोग अपना हिंदी कॉन्ग्रीगेशन का डायमंड जुबली हम लोग जब मनाने जाते हैं तो उसके विषय में कुछ बातें रखेंगे। सभी को जय मसीह की। एक्चुअली मैं आज बोलने के लिए प्रिपेयर नहीं था, आंटी ने मेरे को जस्ट अभी इन्फॉर्म किया, तो आई एम नॉट मच प्रिपेयर्ड। तो मैं बस आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि हिंदी कॉन्ग्रीगेशन कहने के लिए हम देखते हैं कि छोटी सी कलीसिया है, लेकिन आप लोग अगर दिल से इसको सोचो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है ना, एक बहुत बड़ी, ये कह लो कि परमेश्वर की एक सेना है, जो अगर एक बार किसी चीज़ को ठान ले करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं बस आप लोगों को इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक किसी एक अकेले मनुष्य का या एक पर्सनल किसी का नहीं है, ये पूरी कलीसिया का एक इवेंट है जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सबको इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना है, और जो भी आप लोगों की प्लेज, जिसने आंटी को प्लेज किया है, या चर्च के लिए जिसका जो भी कमिटमेंट आप लोगों ने रखा है कि हम ये शेयर देंगे, आप उस चीज़ के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। और जितना भी आप लोगों से बन पड़ता है,
किसी के लिए कोई भी किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। जो जितना दे सकता है, जितना जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, वो उतना शेयर अपना दे सकते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग इस सब का, इस पूरे इवेंट का आप लोग सब पार्ट हैं। कोई भी अपने आप को अलग ना समझे। ऐसा नहीं है कि कोई एक टीम बना दी गई है तो सिर्फ वही कुछ काम करेगी तो होगा। कलीसिया का एक एक इंसान, एक एक शख्स उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और ऐसा ना समझें कि हम लोग ही कर रहे हैं। तो सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और जहाँ जहाँ पर आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं, प्लीज़ आप लोग आगे आइए। क्योंकि वो कहते हैं एकता की शक्ति जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है ना। एक अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो, जैसे ये पांच उंगलियां अगर इकट्ठी हो जाती है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ के लिए आगे आइए। थैंक यू। जो भी इस हफ्ते अपने शादी की सालगिरह या जन्मदिनों को मनाते हैं, तो कृपया करके आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी इस हफ्ते अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाते हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं फादर मोहनदीप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने भाइयों बहनों को जो इस हफ्ते अपना सालगिरह या जन्मदिन मना रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष का बहुत बड़ा हाथ चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनको उन्नति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए और हर किस्म से उनको कामयाब रखिए, सुरक्षित रखिए। उनके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं उनके, और उनको आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। आइए हम परित निवेदन में सम्मिलित हो। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु मसीह से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, जबकि हम यूक्रेन रूस संघर्ष और कम ज्ञात संघर्ष क्षेत्रों के युद्ध पीड़ितों के साथ निरंतर खड़े हैं, जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं, हम कर्नल वैभव काले को याद करते हैं, जिन्होंने इसराइल गाजा युद्ध में भारत से अमेरिकी शांति दूत के रूप में अपना जीवन लगा दिया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख के समय सद्भावना दीजिए। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को सभी लोगों के हित के लिए बुद्धिमता से परामर्श लेने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि दुनिया असहमति के प्रति संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करना सीखें, ना कि केवल इसे दबाएं। हम प्रशांत क्षेत्र के न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासी कनक के साथ खड़े हैं, ताकि क्षेत्र में जारी से के हिंसा के बावजूद उनकी पहचान को संरक्षित किया जा सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दिल्ली और राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में मतदान चरण समाप्त हो चुका है, इसलिए हम आपसे चुनावी प्रतिक्रिया पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं, ताकि लोगों का फैसला कायम रहे और ये सुनिश्चित हो सके कि सर्वोत्तम जनसेवा हो। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों
मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेषकर मणिपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रूबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसियस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल, हमारे बिशप और सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड डॉक्टर मोनदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नराज तथा रेवरेंड जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु इस ग्रह को सजाने में हमारी मदद कीजिए। जबकि हम जानते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मानसून प्रभावित हो सकता है, जिसका हम सभी भारतीय उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन्न हैं, जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें सामर्थ दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग जरूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया के उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं, ताकि वह अपने भविष्य के लिए अच्छे निर्णय ले सकें। हे दयावान प्रभु हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु उन सब लोगों को जो शरीर, मन अथवा आत्मा में पीड़ित हैं सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, जीनू, इला सुंडी, कुसुमलता सेवक, जोस्विन सैमसन और लिली चंद्रा, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और उन सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत जीवन में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। प्रभुज की पुस्तक में सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें।
आइए हम अपने पापों को अंगीकार करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और शांति से एक दूसरे का अभिवादन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम प्रभु को अपनी भेंटे चढ़ाएंगे और गाएंगे गीत नंबर 660। I'm so deep.
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद पिता, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो आपके का मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र की तथा पवित्र आत्मा की महिमा में अपनी महिमा प्रकट करी। आपका और आपके पुत्र का और पवित्र आत्मा का ऐश्वर्य और तेज बराबर है, फिर भी आप एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, जिसकी निरंतर आराधना और सराहना करना उचित है। इसीलिए स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात
प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र पहाड़ों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए, उसी के साथ और उसी में द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और आप गीत गाते हैं। धन्यवाद और मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का बदन
के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो, स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास सिखाओ। Thank you.
परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में रहता है वो परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसमें। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पण करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा करो। हम अपनी आराधना का अंतिम भजन गाएंगे, नंबर 667। आपके साथ हूँ।